नमस्कार, कैसे हैं? ये वीडियो देखने के बाद अगली वीडियो मेरी जरूर देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और उन भाइयों के लिए है जो दो तीन महीने में अपने कई कार्य इस विद्या द्वारा जो स्वतः ही सिद्ध होती है उसे बोलते हैं छुट्टुआ। छुट्टुआ क्या है? ये एक हमारे बिहार देखिए आज सबसे ज़्यादा आईएएस पीसीएस बिहार से हैं। बिहार बहुत ही प्रगतिशील, बिहार को बहरहाल आज कुछ लोग अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन बिहार में जितने बुद्धिमान लोग पाए जाते हैं और प्रतिभावान, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग पाए जाते हैं अलग। चूँकि आईएएस पीसीएस यानी देश का जो टॉपर चीज़ है, बिहार साउथ से निकल के आते हैं, तो ऐसे ही वहाँ की भाषा का रे चुटुआ, ए सुन ले ना सुन ले, ऐसे बोलते हैं। तो उस पावर का नाम है चुटुआ। ये डायन विद्या के अंतर्गत आती है, क्योंकि हम लोग सात्विक हैं, ये चीज़ करते नहीं है। लेकिन ये जिस शिष्य द्वारा आप लोगों को दिला दूंगा, आप लोग याद रखेंगे, अगली वीडियोस का देखिएगा। लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसा पौधा जिसे बोलते हैं पीला धतूरा, स्वर्ण छिरी, दाग फुलैला। और ये फोटो आप देख रहे होंगे, मैं एक प्रयास करता हूँ अपने ये फोन सेट पे इस पर भी फोटो लाने का। बहरहाल आप लोग इस पौधे को जानते होंगे, थंबनेल पे लगा हुआ है, ठीक है, थंबनेल पे इसका लगा हुआ है। तो इस पौधे को शनिवार को आप कहीं देख लीजिए। क्या देखना है? शनिवार को तो शनिवार को इस पौधे को देख लीजिए कहाँ पे लगा हुआ, ये बड़े आसानी से मिल जाएगा इस समय, नहीं तो बाद में ये आपको नहीं प्राप्त होगा। इसे सत्यानाशी भी बोलते हैं, ये अच्छे अच्छे को सत्यानाश भी कर देता है। देख रहे हैं फूल कैसा है? ये है इसका पेड़, पहचानते ना? सत्यानाशी भी बोलते हैं, स्वर्ण छिरी भी बोलते हैं, इसके बीज दाद में बड़े काम आते हैं। लेकिन इसके फूलों की बात बता रहा हूँ, इस समय फूल है, जल्दी करिएगा, शनिवार को आपको करना है। बहुत ही खतरनाक प्रयोग है, इससे बड़ा तमाशा कर सकते हैं आप। शनिवार को रात को जाना है 1 बजे इस पेड़ के पास, दिन में देख लीजिए कहाँ पे पेड़ है। पेड़ के पास जाने के बाद आप वहां पर 5 दीपक या 5 मोमबत्ती पेड़ के किनारे किनारे गोल में जलाकर रख दें, और पीली सरसों काली सरसों मिक्स करके लेना है, 1 वस्त्र पहन के जो सिला हुआ ना हो, जैसे तहमद या कुछ हो, और बोलना है तोना ताई जहां लगाई तू देखे, बस इतना। ये मंत्र लिखूंगा नहीं, इस मंत्र को आपको 21 बार बोलकर इसके ऊपर राई फेंकना है जो मिक्स है, और इसके फूल को कांटा होता ध्यान रखिएगा, हाथ में पॉलीथीन वगैरह लपेट लीजिएगा एक में, जैसे ये फूल छुओगे तो बगल कांटे इसमें चुभेंगे, तो नीचे से कि फूल की वो पंखुड़ियां ना टूटने पाए, ऐसे एक फूल तोड़ना, बहुत झटके से मत तोड़ना, नहीं तो बहुत नाजुक पंखुड़ी होती, इसकी विशेषता यही है कि छूते जिसे छुई मुई मुरझा जाती, वैसे इसके पंख टूट जाते, तो इसलिए बहुत प्यार से ऐसे हाथ ले जाओ, धीरे ऐसे ऐसे जैसे चुटकी काटते काट के प्यार से उठा लो। अब इस फूल को आप पीले कपड़े में रख कर, जो राई आपने सरसों मारा है मंत्र बोलकर, वो कुछ जमीन पे गिरी होंगी उस पेड़ के नीचे, उसमें से 11 दाना उठाइए, और 11 दाने पर एक एक बार ये मंत्र पढ़ते हुए उसी फूल के साथ पीले कपड़े में रखकर गांठ मार दीजिए, ठीक है। अब जो आपको डर लगता था कि ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है, ये मुझे बहुत तंग कर रहा है, इससे कैसे मैं छुटकारा पाऊं, मुझे तंग करना छोड़ दे, तो किसी तरीके ये पोटली शत्रु के बॉडी से टच कर दीजिए, या उसके आने जाने के रास्ते में रख दीजिए कि उसको क्रॉस करके नांग के चले जाए, या आप नहीं कर सकते किसी थर्ड पर्सन से भी उस व्यक्ति के बॉडी से अगर आप टच करवा देते हैं तो वो उसी दिन से शत्रुता धीरे 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 कम हो जाएगी।
शत्रुता करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं, इससे नुकसान होता है दोनों पक्षों का, इसलिए मैं प्रयोग बता रहा हूँ। और इस पोर्टली को आप लेकर जहाँ जाएंगे, आपके सभी लोग चाहने वाले होंगे, आपका काम सफल होगा, नज़र नहीं लगेगी, आपका तबेला चलता है, इस पोर्टली को अपने तबेले में रख दें, अच्छा दूध देंगी। खेती में अगर नुकसान हो रहा है तो खेत में इसको ईशान कोण पे खेत में दबा दें, खूब अच्छी फसल होगी, इसे करें, लाभ उठाएं। किसी प्रकार की समस्या हो सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच कॉल करिए, हम और हमारी टीम आपकी सेवा में सदैव लगी रहती है, समस्याएं निःशुल्क सुनते हैं, समाधान निःशुल्क देते हैं, कोई सामग्री निःशुल्क मेरे यहाँ नहीं, इस सोच के साथ मत संपर्क करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।